जालौन में भी इन दिनों किसान यूनियन द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां अलग अलग तहसील में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किसान बिल वापस लिए जाने की मांग की। पूरे देश में इन दिनों किसान बिल को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं जालौन में भी किसान यूनियन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये प्रदर्शन अब फ्लॉप होता नजर आ रहा है। जहां जालौन तहसील, माधोगढ़ तहसील में ज्ञापन देने वालों की संख्या आधा दर्जन के पार भी नहीं पहुंच सकी, तो वहीं उरई मुख्यालय स्तर पर यह संख्या बढ़कर आधा सैकड़ा हो गई थी। यही हाल कोमेवेश कालपी कोच में भी दिखाई दिया, जहां किसानों की अपेक्षा राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि इस घटनाक्रम के बीच जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क और सजग दिखाई दिया। समुचित पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पीएसी बल हर गतिविधि पर नजर बनाए दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हर मूवमेंट की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराती रही। सभी दल के लोग यहाँ आए हुए हैं, इसमें किसान कम हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग ज़्यादा हैं। इन लोग वही तीन जो कानून बने हुए हैं कृषि कानून, उसके विरोध में ये लोग चक्का जाम तो नहीं किए हैं, रोड के किनारे बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं और भाषणबाजी कर रहे हैं। क्या आपका नाम? देव सिंह पटेल नरंजन गायर। अच्छा, आप किसान यूनियन में क्या किस पद पर हैं? तहसील अध्यक्ष। तहसील अध्यक्ष, आज आपने ज्ञापन दिया है तहसीलदार जालौन को, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे जो है, जो कृषि बिल सरकार के द्वारा पेश किया गया है वो हमारे किसानों के हित में नहीं है, उसको हम वापस लेने के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। जालौन से देवेश कुमार फणकार की रिपोर्ट।